वेट गेन हैज हैपन ड्यू टू सम पर्सनल मेडिकल इशूज मैं किडनेप नहीं हुई थी मैं खुद जाके गाड़ी में बैठी हूँ कि ले जाओ मुझे okay. But then ultimately they kidnap. Uh, तो रोज ये होता था देव देव कब आएगा देव कब आएगा स्क्रीन प्ले में देव का सीन आया इट यूज टू बी लाइक दैट तो um, वो बहुत एक्साइटमेंट थी Hi guys, this is Arhan. Hi, this is Meera. TV पहला प्यार हो जिसका वो सब्सक्राइब करते हैं टेली चस्का हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू का और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं अरहान और मीरा सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों सीन में क्या चल रहा है अभी हमने जैसे कि देखा कि कुछ गुंडे परी के पीछे पड़ गए हैं और आपने उन्हें बचाया है तो थोड़ा सा सीन के बारे में पहले क्या बोले अच्छा अच्छा सीन या परी जो है वो घर से निकल चुकी हैं और बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया उन्होंने और बहुत ही सिली स्टेप लिया है कि वो घर से चली गई हैं देव को ढूंढने दे के लिए देव क्योंकि नहीं आए को लेने के लिए ले तो देव को ढूंढते ढूंढते और चली गई और बहुत ही इनोसेंटली उस लोगों से कह रही है कि मुझे देव सर के घर जाना है तो फिर फाइनली किडनेप हो जाती हैं एंड देर आर गूंस जो उन्हें किडनेप कर लेते हैं फिर अल्टीमेटली देव वहाँ पहुँचते हैं

हाँ और वैसे एक देव को ज़्यादा करना नहीं पड़ता क्योंकि उससे पहले परी काफ़ी कुछ कर चुकी है उन गुंडों के साथ वो काफ़ी गुंडे बेचारे आधे थके हुए होते हैं ऑलरेडी। like कि हम एक, आ, हम एक प्रोग्रेसिव शो के लोग हैं जहाँ पे आ, हम दिखाते हैं कि हीरोइन अबला नारी नहीं है वो पहले खुद अपनी लड़ाई लड़ती है फिर हीरो आके और बड़े हीरो वाले काम करता है I couldn't hit hit you how you how them na. मुझे कुछ क्या नहीं नहीं है उन लड़कों को मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा <laughs> नहीं नहीं, नहीं, <laughs> नहीं, नहीं <laughs> बहुत अच्छा, अच्छा। It was a very, it's very nice sequence. आप लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में Monday to Saturday सेवन थर्टी <laughs> <laughs> अरहान आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाबी कैरेक्टर ये जो है वो कितना आपके रियल लाइफ से सिमिलर है और ये पग एंड ऑल के साथ आप कितना मतलब इसे इंजॉय कर रहे हैं मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं वेट कर रहा था कि कब मैं एक सिख रोल प्ले करूँ और मैं पंजाबी हूँ तो लैंग्वेज और ये सब मैं आई वॉन्टेड टू यू नो यूज़ दिस टैलेंट जो मुझे पंजाबी से जितना मैं कम्फर्टेबल हूँ कि मैं उसको कहीं किसी कैरेक्टर में यूज़ करूँ एंड फाइनली आई गॉट दिस चांस तो और बग के साथ sick, वो एक अलग ही बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है तो आई एम लविंग इट मीरा क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे काफ़ी पंजाबी टच जो है आप में देखने मिलता है और लैंग्वेज की बात करें तो कहीं कोई डिफिकल्टीज ऐसे लगता है कि अलग सा लैंग्वेज सीखने में कोई डिफिकल्टीज फेस जी ऐसे आती हैं डिफिकल्टीज फिर जब ये होते हैं सेट पर तो इन्हें मैं पूछ लेती हूँ कि क्या बोलना है और जब ये नहीं होते तो फोन करते हैं डायरेक्टर सरचर पंजाबी टीचर

लैंग्वेज की बात तो हमने आपसे जाने की अरहान आपकी हेल्प करते हैं और थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज लेकिन ये पूरा ओवरऑल कैरेक्टर की बात करें तो इस तरीके का कैरेक्टर जो आप बहुत ही नाइसली प्ले कर रही हैं बहुत ही परफेक्टली प्ले कर रही हैं उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे कि, कि किस तरीके की और भी डिफ़िकल्टीज आपके सामने आती हैं न um, नथिंग वो जब बारह चौदह घंटे हम एक ही लूप में होते हैं तो कई बार आ, ये होता है कि परफॉर्मेंस मोनिटनस हो जाती है कई बार या कई बार होता है कि समझ नहीं आता कि कैसे करना है थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बहुत सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बिकॉज uh, मैं दूर दूर तक उस कैरेक्टर के करीब भी नहीं हूँ एज अ रियल पर्सन तो वो बहुत ट्रिकी uh, हो जाता है ये समझना कि इनसेंस कैसे रखनी है और कैसे बिहेव करना है हाउ टू मेक इट लुक एंड्योरिंग एंड ऑल ऑफ दैट तो इट गेट्स लिटिल ट्रिकी बट देन आई थिंक वी हैव अ वेरी नाइस टीम वी हैव वंडरफुल क्रिएटिव्स ऑन सेट करिश्मा रोहित एंड देन वी हैव अ थेरेपिस्ट अ डॉक्टर आल्सो हु यू नो टाइम एंड अगेन कीप्स गाइडिंग अस कि कैसे होना चाहिए प्लस रुपाली मैम एंड एवरी वन इज़ सो पर्सनली इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर दैट वर्क गेट्स ईजी इट्स नाइस ओके मीरा इसके पहले जब हमने आपको उड़ान में देखा था तो लाइक यू आर अभी भी यू आर वेरी परफेक्ट और वेरी क्यूट बट वहाँ पर एक अलग सी हमें मीरा दिखी थी लाइक yeah. like, एकदम ज़ीरो फिगर एंड एकदम वो एकदम कैसे बोल एकदम एक एक्टर एक एक वाली मीरा यसे. वहाँ पे हमें दिखी थी यहाँ पर हमें एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है सो so, कितनी मेहनत लगी ये आई उन... <laughs> <Exactly. laughs> <laughs> <was, I> <laughs> बोलना चाह रही थी मैं सो so, उससे लेकर कितनी नो द वेट गेन ड्यू टू सम पर्सनल मेडिकल इश्यूज बट देन व्हेन आई ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर परी इज अ कैरेक्टर जो यू you नो know, मेरे आज के उसमें डायलॉग था मुझे भागना अच्छा नहीं लगता तो इफ़ परी इज लाइक दैट देन प्रॉब्ली शी विल नॉट बी अ फिट पर्सन विच इज़ वाई इट वर्क फॉर मी इन द फेवर ऑफ द शो सो आई जस्ट मेनटेन दैट फॉर नाउ कि यू नो अभी इट वर्क फॉर द कैरेक्टर सो आई विल हैट्स ऑफ टू दिस गबरू जवान जिन्होंने मुझे उठाया है अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बहुत ही बखूबी से उठाया था मुझे yes. कैसा, क्या लगा, <laughs> <या>। <laughs> तो थी। मुझे नहीं नहीं मैं मैं एज नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैं आ, बड़े आराम से सीन्स बहुत सेबल होता है वैसे बोल रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है वो परफेक्ट है वैसे भी और आ, just being a nice guy हम अगर परी की बात करें तो मतलब जो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा तो आई हैव फाउंड इट लाइक कम्प्लीटली फाइन क्योंकि हम जितना ज्यादा रियल के करीब रह सकें उतना बेटर है एंड आई थिंक दिस इज़ गुड और परफेक्ट uh, है एक अगर अगर मैं इमेजिन भी करता हूँ कि एक किसी दिल्ली के किसी घर में एक परी uh, नाम की कोई लड़की है एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सेम इश्यूज और एक ऐसी लाइफ तो यू नो इट्स 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 नथिंग अबाउट द बॉडी इट्स अबाउट यू नो वो तो उस हिसाब से हमने बहुत um, वो रियल रखा है एंड अदरवाइज ऑल्सो शी इज़ एब्सोल्यूटली फाइन तो she's या एंड हाउ शी सेट दैट दे आर सम मेडिकल इश्यूज नो वट एवर सो वो वो सारी चीज़ें अलग रख के इफ यू टॉक ओनली अबाउट परी एंड हर कैरेक्टर तो शी कंप्लीटली फिट्स इन एज परीलेटली जैसे आज 100 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं मैं चाहूँगी ऐसे ही फाइव एपिसोड कंप्लीट हो और मैं आपसे इसी तरह मिलते रहूं और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट डे जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे यहाँ सेट पर तो so वो कौन सी मेमोरी है जो आज 100 एपिसोड कंप्लीट होने के बाद भी आपको एक दूसरे के लिए याद है बताओ मेमरी <laughs>

Uh first memory to I would I mean I don't know. I mean I can't. I tell mean you. Me. Hey please, yeah, come on. <laughs> I just said it. We had been eagerly waiting all of us for him to join the show. Uh so Rose, Dev, Dev It used to be like that. So um wo excitement. Thi pehle se hi. But after him uh starting and working with us, um it's been a wonderful ride with him because I think he's very nice. He's

और हम बता नहीं सकते हैं आ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं तो आ, उसके लिए शो देखना पड़ेगा लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पे शूट करते जा रहे हैं और वो चीज़ें बाहर निकालते जा रहे हैं आ, देव के घर अब अपनी शादी हो गई है परी देव के साथ हैं और देव की फैमिली भी इंट्रोड्यूस हो गई है आई वुड से आधी फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है आधी थोड़ी रहती है तो वो भी ये नहीं बताना जाएगा लुक से नहीं बताना, नहीं नहीं बताना था था हाँ लागा लागा। तो तो अभी वो होने वाली है तो बहुत कुछ होने वाला है परी जिस घर में आई हैं वो देव तो है लेकिन और भी बहुत सारी चीजें उस घर के अंदर जो धीरे धीरे बाहर आएंगे आपको भी नहीं पता वो धीरे धीरे पता चलेंगे आपको सब पता है आई I मीन mean, परी को नहीं पता मीरा को तो पता ही है